यूँ तो भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग वाले शिवालय है, लेकिन उत्तर कोलकाता के काशीपुर में गंगा के तट पर बसा है एक ऐसा शिवालय जिसमें 111 शिवलिंग है। इन 111 शिवलिंगों में 109 नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जबकि 2 बड़े शिवलिंग है। इन 2 शिवलिंगों में एक शिवलिंग का नाम बाबा दूधनाथ है। रही बात 109 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की, तो ये सभी छोटे आकार वाले शिवलिंग उज्जैन की नर्मदा नदी से लाई गई है, जिससे इन 109 शिवलिंगों का नाम नर्मदेश्वर शिवलिंग पड़ा। इस शिवालय को काशीपुर कैलाश धाम कहा जाता है। साल 1997 में इस शिवालय को प्रयागराज के संत सतगृहस्थी परमानंद गिरी महाराज ने स्थापित किया था। सावन के महीने में नागपंचमी और महाशिवरात्रि के दिन इस शिवालय में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, इस दिन अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इस शिवालय का महत्व क्या है, पुरोहित रतीश झा ने युवा शक्ति से यह साझा किया। 111 शिवलिंग का महत्व है, ये कहते हैं जो मतलब एक बार यदि एक शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं एक मंदिर जाना होता है, और 111 शिवलिंग का दर्शन करने के लिए भी जाए तो कहने का तात्पर्य 111 मंदिर में हमें जाना होगा। तो इससे ये होता है कि एक जगह यदि इन सब का दर्शन हो तो यहाँ शिवमय हो जाता है, इनकी पूजा का जो है महिमा अपरंपार कहा जाता है, कहते हैं मतलब शिवमय हो जाता है। तो ये 111 एक ही शिवालय में 111 शिवलिंग स्थापित की गई है, तो ये किसने किया था और क्यों किया था, क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य यही था, वो तीसरा प्रिया के वो थे परमानंद जी महाराज, उनका उद्देश्य यही था जो गंगा के किनारे है, ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, इनको सिर्फ जल से ही मतलब रहता है, जल में ही रहने वाले हैं, तो जल इनको मतलब गंगा के किनारे लोग इनको जल चढ़ाएंगे, इनका पूजा करेंगे, इनसे जो प्रार्थना करेंगे उनको स्वीकार होगा। 111 शिवलिंगों वाले इस शिवालय पर लोगों को बड़ी आस्था है। भक्तों का मानना है कि 111 शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यहाँ पे मान्यता है कि ये मंदिर बहुत जागृत है, बाबा यहाँ पे सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए सब आते हैं हर बार शिवरात्रि पे, सोमवार पे, कोई सावन महीने में, और लगभग हर दिन ही यहाँ पे भीड़, थोड़ा बहुत भीड़ है। हमें इस शिवालय में एक ऐसी महिला भक्त से मुलाकात हो गई जिसने अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए भगवान शिव को निमंत्रण देने पहुंच गई। भगवान शिव पर उसकी कितनी आस्था है, सुनते हैं उसी की जुबान से। तो बहुत विश्वास है, तो ही तो किए जो हम लोग मनोकामना किए, 16 सोमवार की यहाँ पूजा कराए, हवन कराए, और 16 सोमवार में हमारा लड़की का भगवान सुन लिए, 16 सोमवार होते होते उसका आशीर्वाद भी मिल गया, इसीलिए मन में आस्था बना कि हाँ कि हम काट चुके। बताया जाता है कि भारत वर्ष में ऐसे 4 शिवालय हैं जिसमें 111 शिवलिंग है। पुरोहित के अनुसार संत परमानंद महाराज जहाँ जहाँ अपने भक्तों और शिष्यों से मिलने जाते थे, वहाँ वहाँ 111 शिवलिंगों वाला शिवालय तैयार करवाते थे। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।